सजन सचा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे सहा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे सहा जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार मेहरामत प्रभात समय सत्संगत दा समा असी माण पा रहे हैं। अजे हुणे गुरुद्वारा साहब तो जो सवेर दा दीवान चल रहा सी मर्यादित ढंग दे नाल आसा की वार दा कीर्तन संपन्न होया उपरंत अरदास विच शमूलियत पाई अज दा हुक्मनामा ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया। पावन बचन गुरुवाक आप जी ने बाणी रूप विच स्रोत पा लिया है। अगलेरे समय दे विच इन्हां गुरु बचना दी व्याख्या नाल असी सांझ पाउणी है। आओ मर्यादित ढंग दे नाल जाप्ताबद्ध इन्हां गुरवाकां दी विचार तकरीर प्रारंभ करिए। खाकसार वालों बुलाई फतेह प्रवान होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये बचन राग सूही दा हिस्सा है। समुचा सिरनावां राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये बनता है। सूही राग दे विच अष्टपदियां अठा पदियां वाले अष्टमीन अठ पदियां मीन पैरे स्टंजास उहदे विच रची गई रचना है लमेरा शब्द आ। महला चौथा गुरु रामदास साहब नानक जोत चौथा जामा इन्हां बचनां नूं उचार रहा है। कर दूजा इहदा संबंध गायन कला दे नाल है। खास करके गंधर्व साहिबान नूं संदेश ने जदों इस शब्द नूं सूही विच गाया जाए ताल गोचरे थापां वास्ते दूसरे कर नूं प्रयोग विच रखना है। अगेष्ट दा मंगल है। मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप इक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख वाहिगुरु एक है ओंकार है अवित एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। सतगुर प्रसाद जिस दी प्राप्ति सिद्धि सच्चे गुरु की नवाजिश ते बख्शिश नाल हो सकती है। जिवें कि बिनती की अष्टपदियां अठा पदियां वाली बंतर दे विच इह शब्द आ पर इहदे पदे अठ नहीं है पदे दे बत्ती ने एक रहाओ दा पदा एक्सट्रा। सो इत्थों पता लगता है कि एक लमेरा ऑलमोस्ट पूरे एक पेज का यह शब्द बनता है। समा सीमित होना है जिन्ना टाइम अलाउ करेगा उन्ने पदे उन्नी कि असी सत्रह पंक्तियां विचारांगे। विचार का आगाज मुख सुनेहे तो ही कर रहे हैं रहाओ दे बन तो। गुरुदेव जिक्र करते हैं दर्शन हर देखन कह ताई कृपा करहें ता सतगुर मेलें हर हर नाम ते आई रहाओ। दर्शन हर देखन कह ताई हरी दे दर्शना नू देखन दी तांग उदे वास्ते इच्छा खाहश ये पहली सत्र कह रही है। दर्शन हर देखन कह ताई उस दीदार नू प्राप्त करन वास्ते कृपा करें तो सतगुर मेलें जे तू तरस दे घर विच आए कृपा करें हे परिपूर्ण ते सतगुरु नाल मिलाप होए हर हर नाम ते आई। सतगुरु दे मिलाप सदका हरी दे नाम विच ध्यान जुड़ेगा जो मैनू तेरे दीदार तक तेरे दर्शन तक पहुँच प्राप्त करवा सकेगा मेरी रिसाई करवा सकेगा उत्थों तक। सो ये सीधे तौर पर मायने बनते हैं। हुण जे इहनूं असीं थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग विच लै जाइए दर्शन हर देखण कहताएं देखिए
अकाल पुरख वाहिगुरु बाबत बाणी ने जड़े वर्ड यूज किए ने उदेच ओंकार है। ओंकार का मतलब ये बनता है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह ते हर वक्त मौजूदगी जिदी है। सो दिदार ते उदे हो ही रहे ने। गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहे ने रब नू किथे लभण जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब का शब्द असीं किन्नी वारी विचारिया सब जिक्र कर दे, काहे रे बन खोजन जाही। पुराने समय इवन अज की तारीख तक भी लोग जंगलां बेलियां दे विच तुर जांदे, दूर दुराडे जा के किते को खास किस्म दे मैथड्स अडोप्ट करते, मकैनिकल एक्सरसाइज करते, जिदे नाल उन्होंने लगता कि असी अपनी स्पिरिचुअल साइड तो अपनी डेस्टिनी नू अटेन कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। सो रब नू प्राप्त करने वास्ते इहदे बाबत बात की। ये सूफिया का चलन भी रहा इस्लामिक या मिडल ईस्ट की धारा के विचों भी तुहानू मिल जाएगी ये चीज़। इस करके भगत फरीद जी ने जो बात की है कि फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वन कंडा मोड़ है वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढ है, रब लभ रहे हैं वसी रब हयाली है, वसी जिथे वसो है, जिथे वसेबा है, जिथे रह रहे हैं वो तेरे तो दूर थोड़ा आ, तेनू जरूरी तो नहीं अपनी बस्ती छड़ के बाहर जाना पेगा कि जिथे वसेबा आ तेरा उत्थे ही मौजूद आ, पर तू जंगलों च ढूंढ रहे हैं, तू आले दुआले उन्हों लभ रहे हैं, पता नहीं कितने मैं लॉस्ट कर लिया उसनों, कितने मैं गवा लिया उसनों। सो इस करके गुरु तेग बहादुर साहब का जी पावन बचन, काहे रे बन खोजन जाही, भले मनुख कदली बना जंगलों बेलियां च लभदा फिरदा भटकदा फिरदा, काहे रे बन खोजन जाही, बाबा जी रब लभ रहा, रब गवाच गया उहदे दर्शन पौने ने। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने बयान की किया, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संघ समाही। सर्ब निवासी सब विच ते वस रहा आ, उहदे तो बिना उहदे तो वखरा है कौन है जी। हाँ ये जरूर है तू जो आले दुआले देखदा आ उहदे विच तैनू कुछ गुनाह कुछ माड़ापन कुछ औगण कुछ बदी कुछ भैड़ापन कुछ कुछ अपने नज़र पैंदा आ, तेरी एकदम सुरत तैनू तैनू एकदम एहसास ये हुंदा आ किथे रब आ, सब ते गुनाह दे मारे हुए लोग तुरे फिरदे ने, सब ते बदी दा मजमा लगा चार छपेरे, कोई रब नहीं है, जे रब हुंदा ते आ सब कुछ हुंदा। इत जाके साहब ने कहा सदा अलेपा, वह निर्लेप रूप आ, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संघ समाही, ते तेरे नाल ही बैठा आ, ये भी चेते रखी। कला बाहर ही नहीं, इनू भाई गुरदास जी ने कहा अखी अंदर वेखदा, दर्शन विच दिस है, बाहरले दर्शन विच ते दिस ही रहा आ पर तेरिया अखा विच बैठ के भी तो उही वेख रहा, होर है कौन आ। ये तो कई बार भी सवाल आएगा पातशाह गल तो ठीक है पर मन तो नहीं मनदा ना, ये चीज़ बहुत गहरी पकड़ विच आउंदी है। तो साहब ने फिर अगला मैटाफोर दिता बड़ा कमाल दा, उसी शब्द दे विच सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाही, किवें समाया जी, पूहप मद ज्यो बास बसत है, जिवें फुल दे विच खुशबू आ बसती है, खुशबू माणदे हाँ एहसासते हाँ देख नहीं पाउंदे, तिकौनी है चुकौनी है लाल है पीली है पर माणदे हाँ, हालांकि वो एदा भी मसला नहीं, उस तो भी महीम ते बरीक है सूखम आ, पर गुरु साहब ने मिसाल दिती इस तरह वस रहा आया, जिवें फुल विच खुशबू वसदी है, पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माह जैसे छाई, मुकर माह जैसे छाई, मुकर शीशे नूं कहा जांदा आ, उहदे च जिवें परछावां वस रहा हुंदा आ, मुकर माह जैसे छाई तैसे ही हर बसह निरंतर, एग्जैक्टली इन बिनेसे तरीके दे नाल ही, तैसे ही हर हरी ओ परिपूर्ण ऑल माइटी जिहदी एग्जिस्टेंस आ जिहड़ा होंद वाला आ, तैसे ही हर बसह निरंतर बिना विथ वितकरे तो घट ही हो जो पाई। ओ बंदे अपने आप नू खोज अपने घट नू देख। गुरु साहब ने कहा बंदा परेशान है क्योंकि इन्हों अपनी जिंदगी का वजूद नहीं लभ रहा,
बंदा परेशान है क्योंकि इसनों सुखां दा सोमा सुखदाता वो नहीं लभ रहा। बंदा परेशान है क्योंकि इनू जिंदगी दा वो छोर जिसनों प्राप्त करने वास्ते जीवन मिलिया आ वो छोर ही नहीं दिस रहा इसनों। तो साहिब महाराज ने बयान किया, बंदे खोज दिल हर रोज, घट ही खोजो भाई अपने घट नूं खोज। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, यह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना है। ये सिहर मेला है सारे दा सारा, इत्थे वक्ती तौर ते फॉर ए टाइम बींग वी लिव इन दिस वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम वी शुड हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड एग्जैक्टली द रियल एग्जिस्टेंस वी शुड एक्सपीरियंस, वी शुड एंजॉय एंड वी शुड हैव, वी हैव इट, जस्ट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट आवर कॉन्शियस टूवर्ड दैट एबिलिटी, टूवर्ड दैट डिवाइन लाइट। सो दैट इज, दैट पार्ट इज मिसिंग। महाराज इज सेइंग, ओ परिपूर्ण प्लीज ब्लेस मी द विजन ऑफ गुरु नाम सो दैट आई कैन मेक ए ब्रिज, आई कैन इंजॉय द दर्शन ऑफ अकाल पुरख वाहेगुरु। ये मौलिक रूप में बात आ। बाकी जो बात पकड़ च आ गई, समझ च आ गई, तो महाराज ने बयान किया किथे जावा मैं, कत जाइए रे, किथे जा के मैं उन्हें लभना है। हुण ते हकीकत यह है कि मेरे घर विच ही घर लागो रंग, अंदर ही रंग लग गया है, हुण ते अंदर ही आ गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चला, मन पयो पंग, मन पिंगला हो गया या। We have, as a human being, we have only one issue. That issue is mind wandering, which makes us